भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा वनडे मैच शनिवार को बे ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। सीरीज के इस तीसरे वनडे मैच को भारत की टीम ने 7 विकेट से जीत लिया था और सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली थी। इस सीरीज का चौथा वनडे मैच 31 जनवरी गुरुवार को हैमिल्टन के सेडोन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। आपको बता दें कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी सीरीज के तीसरे वनडे मैच की प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे। एमएस धोनी अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते तीसरे वनडे मैच की प्लेइंग 11 से बाहर हो गए थे, लेकिन सीरीज के चौथे वनडे मैच से पहले वह प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि वो चौथे वनडे मैच में खेल भी सकते हैं। सीरीज के चौथे वनडे मैच से पहले भारतीय टीम के अनुभवी स्टार खिलाड़ी एमएस धोनी प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। धोनी ने हैमिल्टन में नेट्स के दौरान जमकर अपना पसीना बहाया। बता दें कि एमएस धोनी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज जिताई थी। धोनी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से भी नवाजा गया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में धोनी ने 33 गेंद पर 48 रन की एक शानदार पारी खेली थी और भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अगर धोनी चौथे वनडे मैच में वापसी करते हैं तो उनकी वापसी से भारतीय टीम काफ़ी मजबूत रहेगी। एमएस धोनी के साथ साथ भारतीय टीम के अन्य खिलाड़ी भी प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों की ये प्रैक्टिस की तस्वीरें सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिक आकाश को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।